जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड पारा शिक्षक संयमित आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में जो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा होना है वो बिहार के तर्ज पर होना है। तो हम आपको लेकर के उपस्थित हैं बिहार पारा शिक्षक संयमित आकलन परीक्षा 2014 में EBS से पूछे गए प्रश्न। आपको यदि इन सारे प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो आपको PDF यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। मार्क का संबंध है, एक मार्क जो है उसका संबंध किससे है आपको बताना है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि एक मार्क क्या है। एक मार्क जो होता है एक प्रमाणिक चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, या खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, किसका गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गुणवत्ता हो जाएगा, ठीक है। एक मार्क एक प्रमाणिक चिन्ह होता है और गुणवत्ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में, यानी आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ होता है आपको बताना है। तो देखिए आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो सबसे अधिक जो आपका हो जाता है वो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की तरफ से हो जाता है, क्योंकि आर्सेनिक एक गंधहीन एवं स्वादरहीन उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यदि आर्सेनिक बढ़ जाए तो इसमें बीमारी या त्वचा का फटना, केराटाइसिस इत्यादि होता है। तो यह सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद झारखंड में, तो इस तरह से क्रम से है। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में। तो हम आपको बताते चलें, भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो है वन जीवों के अवैध शिकार, वन जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु एवं पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 किसमें 1972 में पारित किया गया। यह जम्मू कश्मीर छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत सभी राज्यों में लागू किया गया है। तो कब लागू किया गया, तो अब आपका क्लियर हो गया 1972 में, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, वर्ष 1972। अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन, क्या कहते हैं दूध से दही बनने की प्रक्रिया को। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किण्वन हम लोग कहते हैं, फर्मेंटेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये किण्वन हो गया, राइट आंसर इसका किण्वन हो गया। अगला है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, USA या USSR, कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है USSR सोवियत संघ से लिया गया है। और देखिएगा, इससे भारतीय संविधान में 4A में वर्णित किया गया है, 4A में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर USSR यानी सोवियत संघ से लिया गया है। अगला है, ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किससे कहते हैं, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारों को, ध्रुव तारा हम लोग किससे कहते हैं। तो देखिए ध्रुव तारा को क्या हम लोग कहते हैं, समझ लेंगे थोड़ा सा, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है। यह सदैव रात्रि में कहाँ दिखता है, उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, या रात्रि में सदैव उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, यानी ध्रुव तारा मतलब उत्तरी तारे को किसे कहा जाता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब किया गया था, 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में, ठीक है। तो चलिए इसका होगा, इसके क्या कारण थे, तो बाघों की घटती संख्या को देखते हुए उसके संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा, देखिए 9 अप्रैल कब किया गया था, 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 यानी वर्ष 1973 में किया गया। अगला है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में
हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर फूलों की घाटी जो है एक राष्ट्रीय पार्क है और ये कहाँ पर है तो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व स्थल धरोहर के रूप में घोषित किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का पता ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक यंग स्मिथ के द्वारा किया गया था। यानी फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है और कहाँ पर स्थित है तो ये उत्तराखंड में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखिए मानव अस्थि का शरीर का आंतरिक भाग होता है। जन्म समय बच्चों का शरीर 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है और यहाँ पर कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ने के कारण इसकी संख्या अस्थायी रूप से 206 हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 206 होता है। यानी जन्म जब लेता है बच्चा तो उस समय 270 हड्डी होता है, लेकिन जब यह धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर वयस्क होते जाता है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एमस्टर्डम में या नागासाकी में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, हम यहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया था और कहाँ तो कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एमस्टर्डम में है। यानी इसका राइट आंसर जो हो मुख्यालय एमस्टर्डम में है। ठीक है, 131 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अवकरण का अपचयन होता है किसके द्वारा। जल HADP NADPH2 CO2 CO2 जल या CO2 NADPH2 किसके तरफ से होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका ये जल और HADP के तरफ से होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश और वायुमंडल से CO2 और पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जल और HADP होगा। अगला है, LPG के संदर्भ में सत्य नहीं है। LPG जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर LPG एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का काम करती है और एक स्वच्छ ईंधन का रूप है। तो क्या चीज़ इसमें सही हो जो है कि सत्य नहीं है वो क्या होगा। तो एक यहाँ पर क्या है कि LPG एक स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ताप होता है, सही है, या नीली ज्वाला में जलती है, ठीक है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाली होती है, ठीक है। तो LPG यह एक ईंधन नहीं है, ठीक है। अगला, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज किसने लिखा है, अरस्तु ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडले ने या रॉबर्ट हुक ने, किसने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चार्ल्स डार्विन। तो बता दें हम आपको इसके बारे में कि चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक थे। डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया, यानी चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। इसका डेट भी आप जान गए, 1859 में प्रकाशित हुआ। मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री, क्या इसको कहते हैं। तो देखिए मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। मकर रेखा किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। यानी 23.5 डिग्री दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री दक्षिण यानी 23.5 डिग्री एस का मतलब यहाँ पर साउथ है, इसको मकर रेखा हम लोग कहेंगे, राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, जिनेवा, हेंग, न्यूयॉर्क या पेरिस, कहाँ पर स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायिक संस्था है, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और वर्ष 1946 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था।
और इसका कार्यकाल 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका हेंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स के हेंग में स्थित है। तो नीदरलैंड्स के हेंग में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949 कब अपनाया गया? देखिए, जो हमारा जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो मुख्यतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, इससे सर्वप्रथम वर्ष 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की यह अवधि 52 सेकंड की है। संविधान सभा में हिंदी भाषा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो इसमें 24 जनवरी 1950 दो में है, इसका राइट आंसर सेकंड होगा। अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो पुष्कर मेला जो है आपका यहाँ पर जो अपनाया जाता है वो आपका है जयपुर। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी किरणें, निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? आपको बताना है कौन सा अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अधिक हानिकारक होता है वो होता है यूवी ए। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस, कौन सा अजैव घटक नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 3 और कवक। कवक क्या होता है? एक प्रकार का पौधा है। कवक क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का विशाल समुदाय है जिसको वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया जाता है। अतः कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। 140 नंबर देखिएगा, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? कहाँ पर आपका स्थित है? तो देखिए, आपको बता दें हम, गुजरात के जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में आपका जो है यहाँ पर गिर शेर परियोजना स्थित है। यह वन्य जीव अभयारण्य जो है गुजरात का शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पशु यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं, यानी गुजरात में है। गिर वन कहाँ है? गिर शेर गुजरात में है, फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा। अगला है, WWF लिखा हुआ, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? WWF से क्या मतलब है आपको बताना है। ठीक है, तो WWF का यहाँ पर क्या मतलब होगा आपको बताना है। तो WWF का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये होता है इसका WWF। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो 29 अप्रैल 1961 को लागू किया गया था। तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगला, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? कहाँ से निकलती है गंगा नदी? देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है। भारत की पवित्र नदी कही जाती है। तो यहाँ पर पूछा था गंगा नदी निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषक के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्व ऑफ इंडिया? कौन सी यहाँ पर एजेंसी जो है प्रदूषण मापने से संबंधित है आपको बतलाना है। तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसको मापने में संबंधित है। अगला है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ अवस्थित है? सिसली में,
हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। देखिए कोटोपैक्सी जो है एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो इंडीज पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर है? इंडीज पर्वत पर स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। एंडीज जो है विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी से एक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज में। ठीक है, चलिए अगला है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु, किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी कहलाते हैं। तो यह आंसर था शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी। तो ये क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। अगला है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्या कहलाता है? क्षोभ समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग मंडल बनाते हैं तो सबसे शुरू से होता है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? तो देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या 5 है, जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या यहाँ पर 5 है। इसका राइट आंसर 3 होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व स्थान अलवर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य रिस बंदर के आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है सरिस्का जो है राजस्थान के अलवर में स्थित है, यानी राजस्थान होगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ATP, DNA या RNA क्या है? देखिए हम आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बृहत्तम स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। और सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे अधिक प्रकाश है, जिसके कारण यहाँ पर पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए डेली यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।